वेलकम टू दिल्टर ड्राइव अ पॉडकास्ट जहाँ पे हम अनफिल्टर्ड बातें करते हैं आपके साथ मेरा नाम है रुजबे मेरा नाम है सैंडी और आज हमारे अनफिल्टर्ड ड्राइव पे इज बी वन ऑफ अ काइंड एन एपिसोड फर्स्ट एक्चुअली फर्स्ट फर्स्ट ऑफ अ काइंड एपिसोड एक्चुअली Uh, क्योंकि पहली बार ऐसे होने वाला है कि हम एक टॉपिक यहाँ पे लेकर आ रहे हैं और इस टॉपिक के ऊपर और डिस्कशन करने के लिए और थोड़े इनसाइट्स देने के लिए हमारे साथ एक uh, Guest भी जुड़े हैं इस बार ये yes, उनके बारे भी हम बताएंगे लेकिन सबसे पहले टॉपिक के बारे में बताते, हैं। के बारे में बताते हैं। तो आज का है की इतने अच्छे बन के ना निकलो बाहर नजर लग जाएगी हाँ वो बीमार हो गए नजर लग गई है और इतना मत हंसो नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी इंस्टाग्राम पे पोस्ट मत करो नजर लग जाएगी अरे लोकेशन मत डालो

हम हमारे पागलपन में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू और आप लोगों के साथ पागल बनने के लिए तो जस्ट टू गिव आवर लिसनर्स एन आइडिया सो किमजी इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट शी आल्सो हैज डन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स उन्होंने वो काफी एस्ट्रोनॉमी uh, में सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज किमजी सो आईव आईव डन आईव डन रेकी आईव डन न्यूमरोलॉजी i've done tarot cards hmm. so it's been two years since i've been practicing this Wow. and uh, it has been a journey it never stops like it's you're learning every day in this hmm. so um, one the first thing i started was with reiki okay सो रेकी इफ़ यू गैस नो अबाउट एट बड़ा पावरफुल होता है ना एनर्जीज होती है उसमें इट्स ऑल अबाउट सो रेकी को हम कहते हैं इट्स असल लाइफ ऑस एनर्जी इट्स अची एनर्जी हम सब में होता है इट्स एन ऑल लिविंग थिंग्स एंड इवन लाइक जब कुछ इवन हम खाने पर या गाड़ी पे या किसी भी चीज़ पे यू कैन एक्चुअली डू द रेकी सिंबल्स यू कैन पुट द एनर्जी कॉज इट्स ऑल अबाउट एनर्जी सो इवन हमारी जो ह्यूमन बॉडी है फिज़िकल बॉडी को तो हम देख रहे हैं बट उसके आगे और औरज हैं दर द इज़ लाइक इनर और आउटर आउटर और एंड इज हेल्थ रेज सो उसको सबसे पहले अगर कुछ होता है तो इट्स लाइक आर औरज गेट अफेक्टेड जैसे कोई oh. बीमार होता है सो इट्स द औरज़ जहाँ पे असर पड़ता है एंड देन यू गेट सिक जिसको बुखार हो गया Hmm. So, वो धीरे धीरे करके जब ऐसे इट अफेक्ट यूर बॉडी नजर होती है ऐसे जो नजर लगने का बोलते हैं लोग वो होता है मतलब सो so, नजर लगना तो हंड्रेड परसेंट है क्यूँकी और अफेक्ट हो रही है ना उसमें मतलब नजर तो हम कहते हैं कि जब एक मदर प्रेग्नेंट भी होती है hmm. बेबी को इवन वूम में भी के हो के उस वो नज़र तब से भी लग सकती है दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग द इन्फ्लुएंस ऑफ नज़र इज तो नजर लगाने का कोई कोर्स होता है मतलब ऐसा नहीं, नहीं? <laughs> कोई कोर्स नहीं होता मुझे है मुझे नहीं लगता कोर्स होता तो है कैसे मतलब हर किसी की नज़र लग सकती है ऐसा मतलब हर किसी की सी एग्जैक्टली exactly, इवन जब कभी uh, हमारे जैसे लव वंस हैं या फ्रेंड्स हैं सो यू नो आजकल एज ह्यूमन नेचर हमारा ह्यूमन hmm. नेचर यही होता है कि ओ वाओ उसके पास तो इतनी महंगी गाड़ी है ओ वाओ ही इज़ वेयरिंग अ नाइस वॉच ओ वाओ इतना बड़ा घर है तो hmm. कहीं ना कहीं जिस इंटेंशन में वो चीज़ कुछ बोलता है कोई सो दैट इज़ द कहीं ना कहीं वो नजर उसको अरे सैंडी तुम बहुत बात करती हो रेडियो पे और यू you नो know, ये सब ऐसा yeah. हमको बहुत मजा आता है तो उसमें फिर वो नजर का आइटम होता है क्या कुछ ना कुछ तो होता है ah. अगर आप बीमार पड़ गए और आपके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा तो दिस इज हाउ यू कंटिन्यू आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ और सक्सेस पे अफेक्ट पड़ता है

सब लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं एंड वी लिव इन दिस वेस्टर्न वर्ल्ड आल्सो सो हमारे पास एवरी डे वी नीड टू गो टू वर्क टाइम इतना है नहीं घर के खाने बनाए बट वॉट इज द बेस्ट थिंग इज़ लाइक सिटिंग विद योर सेल्फ ब्रीदिंग गेटिंग योर सेल्फ बैक वेन यू आर बैलेंस्ड वेन योर बॉडी इज ऑल्सो बैलेंसड कहीं ना कहीं आप उन चीजों को फिर रिपेल करते हो आपके इतने पास आने सेरा so so इतना स्ट्रॉन्ग है और काइंड ऑफ ब्रेक्स दैट राइट मुझे इसमें ना ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कई बार फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे थे कि कि यार इतना इतना ही चाहिए चाहिए नजर नजर लग लग जाएगी जाएगी <laughs> ये नहीं करना जब आप खुश रहोगे तो हर चीज़ पॉजिटिव आपको मिलेगी you know, like, आजकल वो सारी चीजें hmm. भी होती

ये भी है ऐसे भी होना है बट यू शुड बी नोइंगू बैलेंस वेल एट दू रेकी हेल्प करता है सो रेकी इज रेकी इज डिफरेंट ना दो इज कम्पलीटली डिफरेंट सो रेकी इज नाउ हाउ वी कैन से किसी को हीलिंग चाहिए hmm. कोई भी रेकी कर सकता है कोई भी रेकी सीख सकता है कोई भी रेकी टीचर बन सकता है सो so, ऐसा नहीं के ओके okay, के हीलिंग uh, हीलर्स जितने भी होते हैं दे हैव डन सर्टेन अट्यूनमेंट्स सो अट्यूनमेंट्स होती हैं उनके मास्टर से या उनके गुरु से सो so, जब हम इसकी नॉलेज लेते हैं या लर्निंग करते हैं वी आर विद आर गुरुज एंड दे टीच अस के वो 21 डेज का पीरियड है एंड दे वी टॉक अबाउट द साइंस एंड द सिंबल्स ऑफ रेकी एंड रेकी से आप मेडिटेटिव स्टेट और अपने state, और even, um, आप को बैलेंस स्टेट और इवन आप अपनी बॉडी को वो कर सकते हो लाइक इट्स इट्स जस्ट वे ऑफ कामिंग योर सेल्फ एंड सो इट्स क्विकली टच ऑन थिंगसेंस होता है सो so हमें हम सब रेनबो कलर्स सो कलर्स जैसे सेवन कलर्स हैं दिस इज हाउ के हमारी बॉडी के जो सेवन चक्राज हैं दैट्स हाउ द चक्राज आर मेंट टू बी बैलेंस्ड सो वी स्टार्ट विद आर क्राउन चक्रा देन द थर्ड आई देन थ्रोट चक्रा देन द हार्ट चक्रा सोलर प्लेक्सेस सेक्रल एंड द रूट चक्रा सो वो शुरू होता है वो विबग्योर के कलर्स के साथ ओके okay. सो so वो सारे विपग्योअर के कलर्स आपके और जैसे भी कोई बॉडी की कोई एलिमेंट्स हैं किसी mm -hmm. को भी um, सो आपको पता है कि ओके हमें कौन से चक्रा को बैलेंस करना है सो योर हैंड्स आर लाइक अ स्कैनर सो व्हेन यू आर इफ अ पर्सन कम्स टू यू फॉर हीलिंग सो योर हैंड्स विल काइंड ऑफ ऑटोमैटिकली रेकी गोज वेर एवर इट इज नीडेड द मोस्ट इन योर बॉडी ऑटोमैटिक सो यू डू यू डू योर लिटिल इंटेंशन बिफोर यू स्टार्ट हीलिंग मैं ही लर हूँ आई एम अल्ड आई आईनलाइज दूनिवर्स इन टू द्रू मी टू दर्सन सो आई एम जस्ट दस्ट या फिर कलर्स का तो फिर एनी पर्टिकुलर कलर लाइक फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर अगर आपको ऐसा होता है तो ऐसा उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है ऐसे नहीं है इट्स मोर लाइक जैसे कि हार्ट चक्र है सो so हार्ट हैज़ ग्रीन कलर सो ग्रीन अगर उसका हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो फिर कुछ क्रिस्टल्स जैसे हार्ट चक्र से रिलेटेड हैं देन वी कैन यू नो डू हीलिंग विद क्रिस्टल्स इवन क्या कहते हैं वो अपने आप ही आपके um, हैंड्स उस जगह पे प्लेस होने लगते हैं जहाँ पे भी आपको लगता है कि उस पर्सन की बॉडी में यहाँ पे ब्लॉकेजेस wow. <laughs> तो है इतना स्ट्रांग है इट्स लाइक जैसे हम टैप को खोलते हैं एंड द वॉटर काइंड ऑफ जस्ट गोज थ्रू सो दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ द एनर्जी ऑल्सो गोज थ्रू द पर्सन माइट फील अब इट सेंसेशनल जैसी होगा टिंगलिंग mm. इफेक्ट होगा

टोरी yeah, तो yeah. <laughs> ये भी सीखी है और ये भी प्रैक्टिस करती है और मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्ट है ये सब्जेक्ट में आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी क्योंकि इज एसोसिएटेड विद नंबर्स एंड गॉट सो मच इट कि uh, आज का हम लोग जब अपॉइंटमेंट सेट कर रहे थे सो शी डेंट चेक हर कैलेंडर टू चेक कि मैं अवेलेबल हो कि नहीं हूँ उसने कैलेंडर चेक किया देखने को कि डेट क्या है टोटल <laughs> uh -huh. क्या आ रहा है डेट का तो All आज उसने देखा हाँ तो हमारा डेट जो भी देखा उसने वो डेट देखा, देखा बोला अच्छा ये नंबर हाँ चल जाएगा ये नंबर का डेट नॉट ओनली दैट एड्रेस भी <laughs> बोला अरे क्या? ये सेवनटीन एड्रेस है अच्छा वन प्लस सेवन एट अरे एट नंबर <laughs> <laughs> वो होता होता क्या है क्योंकि वेन यू आर लर्निंग नंबर सो मच इनिशियली इट्स एवरी टाइम यू आर लुकिंग एट अच्छा इतने बजे मुझे यहाँ जाना है इस हाउस नंबर में जाना है किसी के घर भी जाना होता है सामने लुकिंग एट देर हाउस नंबर फर्स्ट अच्छा इस घर में ये जाऊँगी तो ऐसी एनर्जीज होंगी hmm. क्योंकि हर हाउस नंबर की हर मोबाइल नंबर की हर कार के नंबर की किसी की गाड़ी में भी अब मैं बैठती हूँ तो मैं पहले उसकी नंबर प्लेट देखती हूँ इसकी कार का नंबर हाँ बिकॉज

को फॉलो करती है आई नो टैरो कार्ड्स बहुत लोग करते हैं बट यस टैरो कार्ड तो किया है ना टैरो कार्ड किया है मैंने एक्सपेरिमेंट <laughs> काफी सही आया ना अच्छा आपका तो या, या, काफी सही आया था <laughs> 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 मेरा पंगा ये है है kind of जो पे भी इसने ने कितनी बार बोला है। मैं बिलीव नहीं करती हूँ yeah. so like, बारे में जानना yeah. yeah. so में को वो बहुत है कि क्यों कैसे so तो यहाँ का एड्रेस है यूजली बोलना मेरे घर का भी को हम कर्मो वाला नंबर नंबर कहते हैं जैसे कि uh, okay. so है क्वाइट है? Ah. Oh, so, yeah. so थोड़ा बहुत क्योंकि इसके बारे में मैं खुद भी पढ़ रहा था तो मेरे लिए कहा गया है कि ये साल कर्म वाला ईयर है वाला। तो अगर मेरे अच्छे कर्म होंगे तो मेरे को अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे क्योंकि शनि पार्ट माय

Hmm. So, जैसे पिछला साल था था 2023 so, सबके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा like, के बारे self -reflecting में year था क्या it was self -introspection, self बहुत किया लग रहा है, है, yeah, बहुत यार <laughs> कुछ ज्यादा ही सोच विचार <laughs> हुए तो बहुत पढ़ाइयाँ हुई हैं तो हैंजन द फ्लेवर सो वी से जिस साल का जो नंबर होता है वो उस साल का वैसा फ्लेवर होता है

इट इज द स्लोएस्ट प्लानट जब हम बात करते हैं कि हाँ हमें ये करना है हमें जल्दी करना है ये फटाफट करना है वो फटाफट तो भूल ही जाओ बीस साल एवरीथिंग इज गड गो एट सैटन स्पेस सो इट्स इट्स अ ईयर ऑफ जजमेंट शनि को कहते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर का है डिसिप्लिन का वो है ये प्लानट है सो एवरीथिंग टू गो विद डिसिप्लिन दिस ईयर जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है जहाँ पे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा hmm. ये साल पता चल जाएगा कि आजकल इवन जो रिलेशनशिप्स भी हैं, वो अभी hmm. जैसे हम कहते हैं कि ओ ये गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है जो ऐसे टेम्पर टाइप से चल रहे हैं दे वुड आल्सो लाइक नॉटर बिल्कुल okay. marriage, wow. क्योंकि wow. 8, year, uh, जिसका भी नाउ पर्सनल अगेन पर्सनल ईयर जैसे किसी की भी डेट ऑफ बर्थ होती है तो so hmm. हम उसका जैसे फर्स्ट ले लिया ओके okay, 25 सो इट बीकम्स अ सेवन एंड देन द मंथ सो दैट इज लाइक कुछ भी ले लो टू ले लो नहीं hmm. नहीं एक काम करते हैं ना टू मेक इट इजी 21 थ्री हो गया वो क्या हुआ सो so थ्री हो गया ना 21 तक कम से थ्री सो दैट्स योर बर्थ डेट सो उसको जैसे कि हिंदी में भी से मुलां सो फोर किया तो वो उसको भी अभी पार्क कर दो नाउ कम्स एट सो विच इज टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर जो कि है इस साल का आठ लगाना है तो साल भूल जाओ जो आपका एग्जिस्टिंग ईयर है उसको भूल जाओ सो हमने सबसे पहले किया था एंड एट एट या सो नाउ एट दीस थ्री सो सेवन प्लस एट सेवनटी फिफ्टीन फिफ्टीन और सिक्स होता है टोटल सो टोटल बनास सिक्स हुआ टोटल टोटल सिक्स आया सो सिक्स इज योर पर्सनल ईयर फॉर दिस ईयर ओके या ओके एंड देन सो पर्सनल ईयर सिक्स विद द यूनिवर्सल ईयर एट सो हम जैसे किसी का पर्सनल ईयर देखते हैं वो hmm. हम ऐसे देखते हैं और यूनिवर्सल ईयर क्या होता है सो यूनिवर्सल ईयर इज टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का नंबर क्या हुआ एट हुआ ना टोटल ऐड करके दैट इज अ यूनिवर्सल जो सबका नंबर oh. है सो पर्सनल ईयर हो गया सबको ऐड करके डेट मंथ और ईयर वी कांट राइट एनीथिंग हियर ना सो नहीं तो उसको हम लिख के थोड़ा सा वो कर सकते थे कि hmm. वो भी बता सकते थे अगर व्हाइट बोर्ड होता सो इट्स लाइक ये हो गया जैसे भाग्यांक मूलांक दिस इज लाइक व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग दी लाइफ पाथ सो इसको हम लाइफ पाथ भी कहते हैं और वी कॉल इट डेस्टिनी नंबर एज वेल सो न्यूमरलॉजी uh, में भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं पाथागोरन न्यूमरोलॉजी शेल्डन वेदिक बट आई हैव स्टडीड पाइथोगन सो उसमें डिफरेंट वेज हैं द नेम्स आर जस्ट डिफरेंट बट देन अगेन सेइंग दैट जैसे इतने सारे आजकल हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और पॉडकास्ट होती हैं सो so इसमें ज़्यादातर मूलांक और भाग्यांक या पर्सनली या यूनिवर्सली सो जस्ट मेन थिंग यू हैव टू so रिमेंबर अपने पूरे इंटायर डेट ऑफ बर्थ को और ईयर को छोड़ के सिर्फ एट ऐड करना है सो व्हाट दैट इज गोइंग टू बी सो दैट इज गोइंग टू बी योर पर्सनल ईयर अच्छा तो अगर किसी का पर्सनल ईयर सिक्स है मतलब क्या है उसके लिए कुछ ऐसा आइडिया है मतलब सो एवरी पर्सनल ईयर हैज रिस्पांसिबिलिटी वाला साल है रिस्पांसिबिलिटी या सो इट्स लाइक रिलेशनशिप्स फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सो हर हर साल के लिए हर पर्सनल ईयर के लिए यू विल हैव समथिंग कमिंग अप सो जैसे कि आई कैन स्टार्ट विद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड ऑल्सो द डेट्स सो वी कैन स्टार्ट लाइक लिटल बिट फॉर दी डेट्स फर्स्ट लाइक जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है फर्स्ट सो जस्ट वन क्योंकि वो हर नंबर एक सर्टन प्लानट से एसोसिएटेड है सो वन इज सन की एनर्जी सो सन इज वेरी लाइक स्टेशनरी और uh, जैसे एक uh, वैसा होता है कि सूर्य एंड सूर्य से जो लोग होते हैं, दे 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 आर 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 लाइक लीडर्स, वेरी इंडिपेंडेंट, ऑलवेज इनिशिएटर्स, वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन लाइफ। तो ये so, वो हो गए जो वन या फिर को आ, one, पैदा हुए। yes. so जिनका भी रूट नंबर है डेट uh, yeah. रहता है उसको सो so okay. जैसे कि जैसे one, one किया हमने टेन किया सो so टेन को भी हम ब्रेक करके वन ही लेके आते हैं सो 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 किया भी so भी बनता है ना तो so उसको भी हमने हाँ, so सब को हम ब्रेक करके वन पे लेके आते हैं सो hmm. so जो वन वाले लोग होते हैं दे आर लाइक बॉर्न लीडर्स और अगर वन के साथ जीरो आता है किसी के साथ तो वो जीरो उस नंबर की हर ब्यूटी को और इनहस करता है बेसिकली सो nice. so, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ टेन है या ट्वेंटी है या थर्टियत है या फोर्टी मतलब नॉट uh, no, मतलब oh, वो हा, हाँ. वैसे हाँ वो जैसे वो होगा तो वो उसका और इनहस करेगा सेकेंड so, okay. आ जाएगा जैसे नंबर टू इज मून एनर्जी सो मून की एनर्जी uh, उसके साथ क्या होगा मूड स्विंग्स बहुत होंगे इमोशनल hmm. बहुत होगा क्लिंगी बहुत होगा डिप्रेसिव मोमेंट्स है उसके साथ क्योंकि जब भी फुल मून या न्यू मून आता है उस पर्सन के साथ तब वो एनर्जीज hmm. uh, काफी हाइटेंड रहती हैं नंबर टू सो ऐसे लोगों को बोला गया है कि भाई हाँ चांद को देखो थोड़ी देर गेज एट द मून लाइट एंड यू नो लाइक इवन चांदी वाला वो क्या कहते हैं चांदी का कुछ पहनो सो समथिंग टू डू विद सिल्वर इफ यू यू डोंट इवन इवन हैव सिल्वर कैन पुट अ सिल्वर कॉइन इन द वाटर और वो पानी पी लो सिक्का निकाल के चांदी का जस्ट ड्रिंक द यू जस्ट नीड टू हैव द कामनेस कामनेस चाहिए जो कि तुम्हें शांति मून के चंद्रमा के उसको देख के hmm. या वैसी hmm. चीजों को करके होगी बस यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ सिक्का अंदर रख के पानी मत पिओ क्यों सिक्का <laughs> भी अंदर जा सकता <laughs> है <ना? laughs> Yeah. yeah. So, okay. Moving yeah. on. Number three. number three. So, number three is um, Jupiter. Best. Mm -hmm. Yeah. So, number three is very expansive. एंड नंबर थ्री वाले जैसे जो लोग होते हैं कम्युनिकेशन mm -hmm. उनका काफ़ी अच्छा होता है सो दे हैव टू कंट्रोल दे हैव टू मेक श्योर कि वो अपनी स्पीच uh, पे हमेशा हाँ। <laughs> क्या बोल रहे हैं किसको क्या बात कह रहे हैं दे है दे हैव टू बी वेरी केयरफुल बट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल नंबर यूजली लाइक ग्रोथ से रिलेटेड होता है क्योंकि जुपिटर hmm. काफी बड़ा प्लान है सो so, उसको हम एक्सपेंसिव बोलते हैं सो so, इसमें एंड नंबर थ्री वाला कभी भी गरीब नहीं होगा अरे थैंक यू या कुछ नंबर्स nice. कुछ नंबर्स न्यूमरोलॉजी hmm. के ऐसे हैं कि जैसे पांच वाले के पास और छः वाले के पास तीन वाले के पास दे ऑलवेज हैव मनी सो और डिपेंड करता है किस फ्रीक्वेंसी में किस उसमें आपके उसमें चार्ट्स में वो नंबर एक्चुअली आ रहा है ओके okay. तो वो भी सब बहुत मैटर करता है अच्छा देन इज नंबर फोर राहू सो राहू से भी जैसे राहू एंड शनि नंबर फोर एंड नंबर एट टू ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिनसे एवरी वन इज ऑलवेज केयर ऑफ सो राहू बट राहू पैशन लेके आता है राहू हमेशा जोश लेके आता है बिकॉज इट्स वेरी इम्पल्सिव सो ऑर्गेनाइजेशन लेके आता है सो फोर नंबर वाले पीपल हैव टू हैव अ स्ट्रक्चर दे हैव टू हैव अ बाउंड्रीज देव बाय दोज फाइव इज वेरी उसको कोई बाउंड्री नहीं चाहिए नंबर वाले फ्लर्ट बहुत होंगे ये <laughs> so, like, uh, नहीं तो कल वो मतलब hmm. ऐसा नहीं कि सारे पांच नंबर वाले फ्लर्ट होंगे लेकिन बट यूजली दे कांट स्टिक टू बाउंड्रीज दे फ्रीडम इन लाइफ थ्री नहीं है ना ये number five उस पर नहीं But. है <laughs> सो uh, so, <laughs> so, हाँ देखना पड़ेगा चार्ट में बाकी नंबर है आई कॉन्ट जस्ट कॉमेंट लाइक अभी तो ये बहुत जनरल बोला जा रहा है एंड <laughs> uh, फिर देन वी कम टू सिक्स सिक्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला नंबर है बहुत ब्यूटिफुल okay. होते हैं इट्स वीना शुक्र का नंबर है hmm. लग्जरी का नंबर है अगेन छः वाले लोग ऐसे होते हैं कि खुद भी सुंदर दिखेंगे घर hmm. को भी सुंदर रखना चाहेंगे गाड़ी भी सुंदर चाहिए सब कुछ nice. सुंदर सुंदर प्रीटी चाहिए उनको बट एपिसेंटर ऑफ ड्रामा भी हो सकते हैं कभी-कभी कुछ -कभी कोई ना कोई फैमिलीस hmm. की वो होता है ना कि कभी-कभी उनको सारी अटेंशन अपनी तरफ चाहिए तो नंबर 6 मतलब uh, uh, 24th हो गया हाँ। फिर uh, और Sixth क्या हो, हो गया, गया.

कौन से वो नंबर्स हैं और उनका क्या मीनिंग है वो भी बताती हूँ सो बट आई कंप्लीट दिस पर सो नंबर सेवन सो नंबर सेवन इज नेपट्टून केतु सो केतु इज लाइक ऑलवेज इंट्रोस्पेक्शन सो जैसे कि पिछला साल भी गया था सब hmm. सोच रहे हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का है योर थिंकिंग एंड नंबर सेवन पर्सन हैज टू रियली कीप दम बिजी अदरवाइज वो आइसोलेशन या डिप्रेशन में जा सकते हैं ओवर मतलब

Okay. so um, next ज एट नंबर एट एंड सो एट सेवेंटीन ट्वेंटी सिक्स जिनके hmm. भी root numbers ये होंगे they are ruled by Saturn सो so, ऑब्सली hmm. इन लोगों के लिए थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा है लाइफ में सिंपल सी चीज़ hmm. है क्योंकि इनको चीज़ें जिंदगी में ईजीली नहीं मिलती हैं सो दे आर द पीपल हु हैव सीन

सो yeah. so, ये वाले जो नंबर होते हैं मार्स oh, के सलमान yes, खान का 27 यस सलमान खान सो नौ नंबर इनको अब क्या होता है गुस्सा बहुत आता है ये so, सलमान खान सो so, <laughs> अभी अगर इन लोगों के हाथ में बंदूकें दे दी तो बंदूकें चला लेंगे <laughs> हाँ. तो इसलिए नौ नंबर वालों <laughs> से दो मत बंदूक हाँ. मत दो इनके हाथ में कोई वेपन दोगे सो जितने भी फायरमैन हैं जितने भी हमारे पुलिसमैन हैं आर्मी के मैन हैं जो भी So, ये सारे जिसमें इतनी एनर्जी है क्योंकि hmm. खून गर्म है खून hmm. है ना इवन आर बॉडी हैज़ ब्लड इन इट तो जब हम कहते हैं कि हाँ मार्स तो वो मार्स का बिकॉज इट्स अ फियर्स प्लान उसमें बहुत ज्यादा आग है hmm. तो अगर किसी मार्स किसी ऐसे बंदे ने अगर लाल कपड़े पहने तो वो और ज्यादा वो होएगा <laughs> उसमें ज्यादा इट्स गोइंग टू बी टू हॉट टू हैंडल टाइप नंबर में रहते है दे आर वेरी गिविंग और ये अच्छे खास एनजीओ तक बना सकते हैं इनमें इतना वो होता है सो so, ये बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं सो hmm. so, इसके दो ट्रेट है सो so, सलमान खान इज वेरी स्वीट एज वेल बींग एग्रेसिव ऐसे भी नहीं कह सकते कि हाँ उस चीज के साथ हमने ये चीजें भी बहुत देखी हैं यू वेरी गिवर लाइक इतना हम्बल इंसान बहुत हम्बल होते हैं ऐसे लोग सो hmm. so, इसमें दो दोनों चीजें हैं बट एक्सट्रीम एक्सट्रीम है ऑफ या बट अगेन बाकी सब नंबर्स भी देखे जाते हैं बट hmm. ये बर्थ डेट और जैसे हम कहते हैं ना बर्थ डेट ट्वेंटी परसेंट हमारी लाइफ में चलता है आफ्टर सर्टन एज फिर हमारा लाइफ पाथ जो कि हमारा डेस्टिनी नंबर है जिसको हम भाग्यांग कहते हैं जस्ट सम टोटल ऑफ आर एंटायर डेट ऑफ बर्थ अच्छा देन दैट वर्क्स व्हिच इज 40 परसेंट प्लेइंग इन आर करियर इन आर लव रिलेशनशिप्स तीन चीजें ही सबको पूछनी होती है हमेशा हमारी हेल्थ कैसी रहेगी हमारी वेल्थ hmm. कैसी रहेगी हमारी शादी कैसी रहेगी पैसा hmm. आएगा कि नहीं पैसा आएगा कि नहीं सो तो यही कहते हैं कि हाँ अपनी जब शादी अब करनी है तो ये कम्पेटेबिलिटी hmm. वाले नंबर भी देख लो और चेक करा लो तो कौन सा नंबर किसके साथ बेस्ट कम्पैटेबल होता है वैसे तो मुझे देखना पड़ेगा तुम जिसका नंबर चाहते हो तो वो बता दो हाँ वो तुम मुझे बाद में पूछ सकते हो वो तो मैसेज करके भेज देना <laughs> <laughs> ये पता क्या करेगा सब नंबर भेज देगा बताओ इसमें से बेस्ट कौन सा है <laughs> आप मेरे को बोलो ना कौन सा नंबर फिर आई विल सर्च फॉर दैट नंबर yeah. जैसे ah. कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे थ्री सिक्स नाइन का कॉम्बो इज लाइक रियली नाइस Hmm. तो और कुछ नंबर्स जैसे वन के साथ हम वन और एट को नहीं कभी कहते हैं क्योंकि वन फादर सन की एनर्जी है सो so वन oh. के साथ एट कंपैटिबल नहीं होगा बट right. कुछ ऐसे नंबर्स हर एक की एक वो देखनी पड़ती है हर नंबर की क्वालिटी के साथ वो उस नंबर का बट इसके साथ जब हम कंपेटिबली देखते हैं हम उनके स्टार साइंस और वो सब भी जाते हैं नॉट जस्ट दिस पाथ क्या है yeah. ओके yeah. okay, चलो लेट्स गेट इनटू सम क्रेजी स्टफ यार अभी <laughs> <Okay. laughs> <laughs> आप ये इसको कितने टाइम से कर रहे हो काफी टाइम से कर रहे हो um, साल yeah. yes. यार कोई uh, ऐसा फनी स्टोरी बताओ ना मतलब कोई आपके पास ऐसे आया है और विदाउट विदाउट नेम्स या या नो नो नेम्स बट यू नो लाइक फॉर एग्जांपल काफी बार ऐसे भी होता है ना कि कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर कि मेरे को ये फिक्स चाहिए

तो उसमें मैं देखो कुछ या यू कांट या आई कांट रिलेट टू एनीथिंग के मेरे साथ ऐसा उसने बड़ा इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इट्स अ गुड पॉइंट या एक्चुअली मतलब मजा आ गया ये बात सुन के क्योंकि क्या है कि शी इज अ हीलर ना तो आप वो स्पिरिचुअलिटी के साथ डील कर रहे हो तो आप उस नजर से देख ही नहीं रहे हो कि इसकी प्रॉब्लम फनी फनी है 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 या 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 क्या है? No है. क्या क्या मेरी गलती हो गई पता आई थिंकिंग लाइक अ पॉडकास्टर क्योंकि हम लो क्या <laughs> हम लोग करते करते हैं हैं हर एक चीज़ में ढूंढना ढूंढने की कोशिश डॉक्टर को ये प्रॉब्लम है hmm. तो इसके ये ऑप्शन हैं ये रेमेडीज़ हैं ये सोल्यूशन हैं सो वो कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई ऐसा फनी इंसिडेंट

इससे मुझे रेकमेंड किया था बट I mean, मेरा ऑनेस्टली yeah, टेक yeah. ये है कि आई अंडरस्टैंड लाइक यू नो इट मतलब कुछ लोग बिलीव करते कुछ लोग नहीं करते मैं ऑनेस्टली mm. um, मैंने सैंडी को भी यही कहा था कि इफ यू वांट टू डू इट यू डू इट विद फुल विद फुल फेथ एंड विद फुल

पर्सन uh, क्योंकि yeah. कितने सारे फेक हैं सीरियसली hmm. कितने कितने लोग इतने ज़्यादा पैसे मांगते हैं फॉर जस्ट डूइंग सिंपल लाइक एक एक चीज़ का, एक चीज़ का का उसको बस सोलूशन चाहिए बट देर आर रियल पीपल ऑल्सो सो दिस ऐसा है कि ये साइंस इज प्योर साइंस इज सो प्योर एंड बट देर आर पीपल हु आर काइंड ऑफ मेकिंग इट अ मनी बिजनेस ऑल्सो लाइक पर उसमें मनी बनाना बुरा नहीं है बट जस्ट नॉट नॉट इन रॉन्ग वे नॉट इन अ रॉन्ग वे क्या एंड

So, अगर ये सब रख सकते हैं hmm. अपने पास इस साल तो बहुत अच्छा है hmm. ये आ, एट नंबर के लिए एमिथिस्ट को अच्छा माना जाता है सो दिस दिस इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर सो टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर भी नहीं बोलना एक और चीज़ बताती हूँ अभी बोल ही रही हूँ सो so कहीं पे भी कोई पेपर या कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो इस साल डोंट

एंड अच्छा बाकी ओके सो नाउ दिस इज टर्मलिन सो ब्लैक टर्मलिन इसको कहते हैं सो so ये मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ वैसे तो ये आपको ईवलाए और प्रोटेक्शन के लिए ओ oh, सॉरी इसका मैं पहले बताना भूल गई एमिथिस्ट का ये स्परिचुअल uh, हीलिंग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है ओके okay. तो मैनिफेस्टेशन uh, का भी क्रिस्टल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग okay. बहुत पावरफुल क्रिस्टल है तभी इसको इस साल के लिए बोला गया कि इट्स अ वेरी गुड क्रिस्टल ओके या एंड देन दिस इज़ ऑल्सो काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं नॉट जस्ट दिस टू बट आई एम ऑल्सो वेरिंग एमथिस क्योंकि ऑब्वियसली स्परिचुअल अवेकनिंग के लिए इसको माना जाता है एंड देन टर्मलिन को भी ब्लैक टर्मलिन आई जैसे प्रोटेक्शन uh, जैसे लोग आई का ब्रेसलेट पहनते हैं एक ये भी hmm. होता है और जैसे कि आठ नंबर वाली गाड़ियाँ हैं या आठ नंबर वाले घर हैं या कुछ ऐसा है तो उनमें टर्मलिन हमेशा रखो

बाकी मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना है बिफोर वी गेट इनटू वो आपने बोला नजर वाला जो वो वो पत्थर होता है उसपे ऐसा रियल है क्या जब किसी की नजर लगी तो उसपे क्रैक आता है ऐसा होता है सच्ची में क्या उसके क्रैक नहीं, है स्टोन होता है ना वो ऐसा ब्लू कलर वाला वो ऐसा तो पता नहीं ये मेरे मन में है कहीं सुना था या है की अगर आप वो पहन रहे हो और उसके ऊपर क्रैक आ गया हाँ। या वो घूम गया अगर आपसे हाँ। तो मतलब किसी की नजर आपको लगी है एंड वो बच गए मेरा गया है हाँ। पेंडे। <laughs> मेरे कुछ था जो टल भी गया वो ऐसा भी हो सकता है लेकिन बाद में पहना नहीं ना तो फिर लग गई अबे मिला ही नहीं तो पहनू कैसे नया लेना पड़ेगा अरे यूज एंड थ्रो है नया खरीदो तो वो निकल गया नाइस दिस इज नॉट बट ऐसे ही होता है ना इट्स का पूरा शीशा भी की? होता है जैसे हाँ. पानी का ग्लास है ये कांच है जैसे बाथरूम के मिरर्स हैं या कुछ हुँ. शीशे टूट गए हां हाँ. शीशों में क्रैक आना बहुत हुँ. अच्छा मानते हैं शीशे टूट जाना बहुत हुँ. अच्छा मानते हैं किसी घर में ऐसे हो रहा है या तो कहते हैं कि ओ बुरी नजर थी जो टल गई ये तो, तो ये सब ये।, सब सुनने के बाद ही मेरा फ्लैटमेट रोज एक ग्लास तोड़ रहा है अरे बाप रे नहीं वो जान बूझ के नहीं घर के बर्तन तोड़ने हैं टूट जाए अगर वो। इसका मतलब वो। ये हाँ। नहीं कि घर में जितनी भी कांच की चीजें आप उनको पटक पटक के तोड़ रहे हो नहीं ये कहावत मैंने सुनी है शगुन उड़ता है हाँ ये तो होता है ये ये बचपन से हमने भी सुना था आई रिमेम्बर के uh, जब बर्तन टूटा था कोई घर पे मेहमान आने लगा इज व्हाट आई हर्ड बट लेटर कुछ और चीजें चल रही है। so, <laughs> yeah. से, अच्छा हम नज़र पे, पे क्रैक आए तो वो नहीं है शीशे तो, पे आना चाहिए नहीं 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 नहींवल आई पे अगर क्रैक आता है मतलब कोई आप सॉलिड नजर मारा है लेकिन आप बच बुलेट

पे evil eye पे भी तो जा रही है ना सो यू नो दैट उन्होंने कहीं ना कहीं उस पर कुछ अपना और yeah, अपने बच्चों की फोटोस लोग डालते हैं न्यू बोर्न बेबीज की डालते हैं ये अपने लिए नहीं किया उसके हाँ। लिए किया है ओके ओके सो दिस इज रोज हैवी हार्ट की शेप में रोज रोज क्वॉड्स लव एंड रिलेशनशिप्स एंड तो ये सारा आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं फैमिली मम डैड पार्टनर इट्स अ ब्यूटिफुल कामिंग रिलैक्सिंग हीलिंग क्रिस्टल ओके या सो इसको आप ब्रेसलेट फॉर्म में भी पहन सकते हो लोग पिल्लों के नीचे भी रख के सो सकते हैं hmm. सी हाउ यू लाइक कौन सा क्रिस्टल आपको लेना चाहिए ये सब भी नंबर्स के थ्रू हाँ वो ही मैं सोच रहा था mm -hmm. कि क्योंकि काफी बार ऐसे भी होता है ना कि लाइक फॉर एग्जाम्पल

स्टोन so, <laughs> की जरूरत नहीं है उसको आगे <laughs> 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 किसी और चीज <जीज़> की ओके सो अब हम नेक्स्ट दिस इज सिट्रीन अबांडेंस सक्सेस Um, हर चीज़ में ला सकता है मोटापे में भी आ सकती है अगर पहन रहे हो तो क्योंकि ये हर चीज का अबंडेंट वाला क्रिस्टल मानते हैं इसको okay. आपने पहना है क्या ये वाला हाँ पहना हुआ है you... okay. yes. नहीं वैसे नहीं मैं <laughs> नहीं <यार। laughs> तुम हंसे क्यों मैं कुछ भी पूछ सकती थी <laughs>

तो चार्ज कैसे करते हो जैसे मूनलाइट की रोशनी में जैसे बस पर्दे पर्दे हटा दो रात को जब मून निकलता है और सन के निकलने से पहले अगले दिन यू पुट देम साइड ऑन द साइड सो अब हमारे टैरो कार्ड्स भी और हमारे क्रिस्टल्स भी जैसे ये सब चार्ज होते हैं अरे यार ये नहीं पता था wow, मुझे यू हैव टू कीप देम चैनलाइजिंग एनर्जाइज तभी ये वो रहते हैं फिर Yeah. अगर मैं ऐसे ये अभी आ, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर अगर ऐसा जोक मारू कुछ ऐसा करूं तो ये कर्मा रहेगा मेरे को मतलब बाद में शनि वाट लगाएगा मेरी नहीं सो बोला नहीं ना बट माई इंटेंशन इज वेरी प्योर यस माई इंटेंशन इज जो हमें सुन रहे उनके चेहरे पर स्माइल आ जाए मतलब दैट इज माई इंटेंशन बट मेरी वाट नहीं लगनी चाहिए ना वो चीज में क्योंकि ये लोग पैसा भर के तो नहीं सुन रहे

इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ क्रिस्टल्स गेट द नॉलेज ऑफ क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स के ऊपर इतनी बुक्स हैं क्रिस्टल्स के ऊपर इतना कुछ पॉडकास्ट है पिंटरेस्ट पे है पिंटरेस्ट इज फुल ऑफ सो मच ऑफ अ डिटेल्ड ऑफ अ सिंगल क्रिस्टल कि उसकी प्रॉपर्टीज में क्या है किस लिए है और आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में क्या हेल्थ की क्योंकि इनमें तो आ, हर हर क्रिस्टल में कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी है अच्छा One question, are you open for consultations as well? Like people can come, ask, consult? Kar sakte yeah. Okay. And yes. we'll share details how yeah. they can get yeah, blissful, blissful healing. Kim blissful, blissful healing. We'll put it in guys. Ha. Uh, hmm. uh, ek, uh, just before we leave, like uh, we are running out of time and uh, I just want to give a background. Hmm. So the reason why I was being so open and friendly with you is because I know Kimzi, we go way back.

नहीं है वो था मैं एक चीज कहना चाहूँगा सो वी वर वर्किंग इन द बैंक हम लोग बैंक में थे एंड देयर वाज दिस वन कस्टमर दैट केम एंड किमजी वाज सर्विंग दैट कस्टमर उससे बात कर रही थी एंड रैंडमली शीट जस्ट कोटेड एंड एड द्लेस ऑन हम आई डोंट सी द एड बिकॉज बट शी इज़ लाइक ओ शी डेंट से सो इट वॉज अबाउट मॉडगेज ब्रोकर और सम वन तो किमजी ने बोला कि तुम होम लोन लेने आ रहे हो तो तुम होम लोन यहाँ से करोगे कि कहीं तो पर्सन सेट के नहीं हमें बाहर मॉडगेज ब्रोकर के पास जा रही हो एंड देन शी लिटरली सेट द एड जो एक लाइन समझ गई वो बचना बचना यही इधर उधर जाने ओ माय गॉड और ही वाज इन इंडिया यू बेटर स्पॉन्सर अस नाउ एंड आई वाज देयर एंड आई हर्ड दैट एंड आई एम लाइक व्हाट क्योंकि दैट वाज इन इम्प्रोम्प्टू थिंग जस्ट मेरे मुंह से निकल गया था It's वो इतना so परेशान cool. था होम लोन के चक्कर में आई वाज लाइक इधर उधर जानेस बट इसने ट्रेनिंग देखी अच्छी 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 सीखी सीखी ना बहुत इतनी कि मैंने रेडियो कर लिया बट बट या बट आई थिंक व्हाई माय क्वेश्चन हार्ड आपने काफी कॉपरेट स्ट्रगल किया है एंड देन यू लेफ्टिंग एंड यू गॉट इन टू दिस वॉट गॉट यू टू ट्रांजेशन इन टू दिचुअल लर्निंग Life <laughs> Life hmm. actually gets you into all these things. So um healer ki jo life hai, being getting into all these things is like there's obviously something going on in your hmm. personal front. So I'm kahi push karta hai. It's like bank to aisa tha main nahi sakti thi. I was with the hmm. company for ten years and then I was like, there is something uh, you know, there's something missing. A calling hmm. Iapko. Yeah.

लाइफ लिव कर रही हूँ आई है लर्निंग वट एवर आई मीन आई टोल्ड टूडे शेयर द नॉलेज इट्स नॉट जस्ट कि अभी इट्स अ लर्निंग स्टिल अ लर्निंग कर्व फॉर मी आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग इट बट इट इज़ डीप दिस नॉलेज ड्राइव मी क्रेजी टू लर्न मोर देर इज ऑलवेज दिस पैशन मैं रात के मतलब पूरी पूरी रात सुन सकती हूँ यह पॉडकास्ट पूरी पूरी रात मैं बैठ के यूट्यूब पर देख सकती हूँ आई कैन डुवेल इन माई लर्निंग सो मच मतलब इसमें इतना वो आ गया एकदम सही ना yeah. इसमें जाना वेरी पर्सनल रीजन बट यू स्टेड बिकॉज आई यू इट नाउ सी और साथ में एक और चीज थी रुजे के वेन यू हैव सीन सर्टन प्रॉब्लम इन योर लाइफ देन यू आर लाइक मुझे अब लोगों की इस तरह से हेल्प करनी है सो दिस इज समथिंग विच मी के आई वॉन्ट टू बी दैट हेल्पिंग पर्सन इन एनी बडीज लाइफ who reaches out to me mm -hmm. not just my myself my family members it has to be for the entire community so if god is asking me if it's, there is this thing then i am obviously you know i surrender myself and i fully devotedly learn this

Uh, on that note, thank you so much, Kimzi, for being part of this unfiltered you, drive Kimzy. edition. Thank you. Thank you so much, guys. And uh -huh. I must say, uh Rizbe, I never met her before na. Like mm. ji Mae Emiliu Kimsey say there's a different kind of energy I can already see. <laughs> I think because of our spiritual things and stuff. like, friendly hai. Yeah, yeah, like she's Bada very friendly but a comfortable but a comfortable same even Mekovi, it never felt. I just felt very like homely with you you, you, you. guys as well. <laughs> thank you. thank you, Kimzy. Thank you. And आप, भी सुनते आप सुन सकते हो या thank फिर वेबसाइट पे जाके सुन सकते जी हाँ और जहाँ पे भी आप सुन रहे हो प्लीज हमें रेटिंग दीजिए और जाके Kimzy को भी जाके फॉलो कीजिए On that note, we will see you next week. Thank you, thank you.